इतना बारूद ठोसोगे बे? ये पुलिया तोड़ के सड़क बनाना है, गंगा मैया थोड़ी ना निकालनी है। वैसे भी विस्फोट होने का टाइम आ गया है, हर जगह लाल झंडा लगाया है कि नहीं? हाँ भैया जी, हमने सब जगह लाल झंडा लगा दिया है। पीछे हो जाओ भाइयों, काउंटडाउन शुरू हो रहा है। वो शब्द जिसमें इंतजार का दर्द भी है और मिलन की दवा भी। पर ये मुलाकात इन दोनों के लिए दर्द बनेगी या दवा, ये कोई नहीं जानता। ये दोनों तो ये भी नहीं जानते कि ये इनकी पहली मुलाकात नहीं है। इनकी तकदीर के सितारे इन्हें पहले भी पास ला चुके हैं। साल पहले रोटी खत्म हो गई, ठंड जिंदगी हमारी, रोटी खत्म हो जाती है, भूख नहीं खत्म होती। तुम तो हमेशा ऐसे ही किरकिराते हो। अरे तुम काहे परपर कर रहे हो चाचा, तुमसे कुछ कहा हमने? सुनिए ना जी, पहले दीजिए, ये लीजिए ना, अब ये खा लीजिए। तुम्हारे पास रोटी थी तो काहे ठूस रही थी? पहले नहीं कह सकती थी कि भूख नहीं है? हम तो बस होली के लिए। चुप हो जा। इतनी देर में ना गारा भी ईंट बन जाता है। ना जाने किस मिट्टी की बनी है तू। कितनी बार कहा है हमने, कितनी बार कहा है कि भोली भोली कह के नजर मत लगा। बेटा होगा हमारा बेटा, देखना। बस तोरे ऐसा ना हो। चाचा तुम ना अलग। अब होली हो या भोला, होगा तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही ना। होगा तो भोलेनाथ के आशीर्वाद तुझे ना। अरे बड़े साहब आ गए।
है बड़े साहब। अरे आराम से, इसलिए हम कह रहे थे कि सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। संजय जी आपको 2 मिनट का ही तो काम है, बेकार उल्टे रास्ते जाते। हम ठीक है, आप काम कर लीजिए। किस्मत हो तो बड़े सांप जैसी हो हैं? मां साहब को पता चलेगा कि हम हॉस्पिटल की बजाय तुम्हें यहाँ ले आए तो पता हमें कितनी डांट पड़ेगी। सुमन इस वक्त तुम्हें गंगा किनारे बैठकर आराम करना चाहिए था, और कहां तुम यहां ईंट के भट्टे में तपने के लिए आ गई। हम कितने खुशकिस्मत हैं संजय जी, मैं यहां अपनी मर्जी से आई हूं, और वो मजबूरी में। अरे हमारी तो जिंदगी नरक है, पर हम सोचते हैं कभी इनकी तरह हम भी घर जमाई होते, बड़े घर में हमारी भी शादी होती तो हम भी ऐसे बने बनाए धंधे पर राज कर रहे होते। अब ऐसा काहे कह रहे हैं? देखिए भले ही उनकी शादी एक बड़े घर में हुई है, पर ये सारा का सारा कारोबार उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। अब उनके घर पे बिना कभी भी बालक आने वाला है, लेकिन फिर भी दिहाड़ी वाले दिन वो यहाँ आ ही जाते हैं अपने सारे मजदूरों की परेशानी सुनने। काहे की परेशानी सुन? हाँ काहे की, एसी लगी गाड़ी में आते हैं नवाबजादे, कूलर के सामने बैठते हैं। अपनी तरह नहीं, रोज 1000 ईंटें उठा उठा कर भी घर में कितना पैसा लेकर जाती, 90 रुपया। और तू काहे उसकी इतनी तारीफ कर रही है? अरे कौन सी जरूरत पूरी करती तेरी है? अरे लो इधर ही आ रहा है बड़ा साहब। अरे सरकार सरकार बड़े साहब, राम राम मालिक। अरे आपने काहे तकलीफ की, हमें कह देते हम आ जाते। नहीं आप बैठिए, आपकी तकलीफ बढ़ाने के लिए आया हूं, इसलिए खुद ही चल के आना पड़ा। मालिक हमसे कोनो गलती हो गई का? वही तो राकेश, इतने सालों में आपसे कोई गलती हुई नहीं, इसलिए इस भट्टे का सुपरवाइजर आपको बना रहा हूं। हमरी अब काम बढ़ेगा तो तकलीफ तो पड़ेगी ना सुपरवाइजर साहब। अरे सुना, हमरी तरक्की हो गई सुपरवाइजर बना। मालिक कृपा है आप, धन्यवाद साहब धन्यवाद। देखा ना भोली, अभी तेरी शुभ कदम पड़े भी नहीं और तेरे पिताजी की तो तरक्की भी हो गई। जमाई बाबू जमाई बाबू, सुमन बिटिया आपको बुला रही है। राकेश हम आपसे बाद में बात करते हैं। जी देखिए अब तो आप मानते हैं ना कि बड़े साहब को हम सब काम करने वालों की कितनी फिक्र है। का कदर है? अरे बताओ का कदर है? तो सुमन सुमन तुम ठीक तो हो ना? पानी चौबे जी पानी लेकर आइए। इतने सालों से भट्टी में सड़ सड़ के एड़ी चोटी का जोर लगा के काम किया है हमने। अरे कौन सा हमें कारोबार में हिस्सेदार बनाया है, सुपरवाइजर ही तो बनाया है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम काहे बड़े साहब की आरती उतार रही हो? हाँ ये लो पानी पियो। चलो चलो अपना काम करो चलो। Ah!
राकेश, बड़े साहब, हम भी जया को सरकारी अस्पताल लेकर जा रहे थे, आप यहाँ ले आए। आवी और सुमन को एक साथ दर्द उठा था, जब हम यहाँ आ रहे थे तो आपको सरकारी अस्पताल कैसे भेज सकते थे? बड़े साहब, हम ठहरे मजदूर आदमी, अब इस अस्पताल का खर्चा हम। तो ये समझ लीजिए कि आप यहाँ अपनी नहीं, अपने होने वाले बच्चे की मर्जी से आए। काहे की मर्जी साहब, का जिंदगी है। जब बाप भट्टे पे ईंट गिनेगा तो बेटा जो है नोट कहाँ से गिनेगा? अरे वो अभी पैदा भी नहीं हुआ और आप उसकी किस्मत लिखने लगे। भगवान ने चाहा तो हमारे बच्चे अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। और राकेश, और आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, भाभी का ख्याल रखिए। बेटा हो या बेटी, आपका बच्चा भी हमें उतना ही प्यारा है जितना अपना। साहब, अरे रे रे। नहीं राकेश, आप ध्यान रखिए, हम बिल देकर आते। मेहरबानी साहब। आपका बच्चा भी हमें उतना ही प्यारा है जितना अपना। राकेश जी, बधाई हो, बेटा हुआ है आपको। हमारा बेटा हुआ। संजय सर को बेटी हुई है डॉक्टर। माँ और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। मुबारक हो। पर संजय सर कहाँ है? वहाँ गए, पैसा देने गए। अच्छा अच्छा, आपकी पत्नी अभी सो रही है, आप अपने बेटे को देख सकते हैं। देख सकते हैं, चलिए। हमरा बेटा कहाँ लेके जा रहे हो सर? ये डॉक्टर, तुम्हारा काम था हमरे बेटे को दुनिया में लाना, तुम्हारा काम हो गया। अब तुम कौन होते हो, बाप और बेटे के बीच में बोलने वाले? कैसे बाप हो, बच्चे को माँ से अलग कर रहे हो? बीना, बच्चा ले लो इनसे। ऐसी हरकत अगर दोबारा की ना, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। हरकतें, और जो हरकत तुम कर रहे हो डॉक्टर, उसका का क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, बाकी नर्से सिस्टर और तुम ठहरे इस बीना के मिस्टर। सब जानते हैं हम तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। जानते हैं हम, हमने वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर तुम दोनों को देखा था और तुम दोनों की फोटो भी ले ली। सबूत है हमारे पास। ऑपरेशन थिएटर के बाहर तुम इस बीना का हाथ पकड़े उसके कान में कहाँ फुसफुसा रहे थे? हाँ, कौन सी डॉक्टरी फुसफुसा रहे थे? बोलो बोलो बोलो, बता दे सबको। ठीक है, बाहर किसी से पूछ लेते हैं कहाँ चक्कर चल रहा है। अरे देखो ये डॉक्टर और नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, आप ऐसा मत करिए। अगर ये खबर बाहर आ गई तो सबको पता चल जाएगा, मेरी ही बदनामी होगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, आप चाहते क्या है? सारे फॉर्म साइन हो गए हो तो हम अपनी पत्नी के पास जाएं? जी सर। बधाई हो,
बेटा हुआ है। और सुमन? वो भी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। से उतना ही प्यार करता है जितना कि अपने, तो अब ले हमरे बेटे से प्यार कर बड़े साहब। आज इस दसवीं पास ने अपनी ही नहीं तुम्हारी औलाद की भी किस्मत लिख दी। तू तो सिर्फ एक बड़े घर का घर जमाई बन पाया, पर हमरा बेटा उसी घर का वारिस बनेगा। हमारा बेटा सोने के झुंझुनों के साथ खेलेगा और तेरी बेटी की मुट्ठी में आएगी सिर्फ खाक। अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा मनहूस, किस उम्मीद में रो रही है तू? हाँ कि हम तुझे सीने से लगाएंगे? ना बिटिया ना, तू तो हमारे सीने का बोझ है, और बोझ जो होता है ना उसे जल्द से जल्द उतार दिया जाता है। वैसे क्या जिंदगी है तेरी भी, लड़कियां शादी के बाद पराए घर जाती, पर तू तो पैदा होते ही पराई हो गई। दूर से ही सही, पर हमारी जिम्मेदारी है हमारे बेटे पर नजर रखने की। तेरी जिम्मेदारी कहां से उठाए? अब तू जिए या मरे, तेरी किस्मत। बच्ची को छोड़ के भाग रहा था, जानता है ना कानून अपराध है, अंदर कर दूं? नहीं साफ हो, अब इतनी जोरों से बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कि पेड़ के नीचे रख देते हैं, बच्ची भीगेगी नहीं, छोटी है ना। उन्हीं से झूठ बोलता है, क्या नाम है? ना, राकेश। राकेश बाबू ध्यान रखना, तुम कानून के नजरों में हो, दोबारा बच्ची को बेसहारा छोड़ा ना तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बेटी को साथ लेके जाओ, उठाओ बेटी को। ओले ले ले बिटिया रानी, भीगी तो नहीं ना? लेके चलो। अरे चलो बारिश रुक गई है। इसके डर से तुझे साथ ले जा रहा हूं, किसी बेजान गुड़िया की तरह घर के किसी कोने में डाल दूंगा। मैंने अपने बेटे की तो जिंदगी बना दी,
अब तेरी जिंदगी को नर्क बनाऊंगा। अरे जल्दी चलो, क्या सोच रहे हो? 21 साल बाद मचा है हड़कंप पूरे जिला में, मचा है हड़कंप पूरे जिला में, आज उड़ेगी मोटरसाइकिल की हवा में। वावा वावा वावा, दिल संभाल के बैठना भैया, आज बहुत तेज घूमेगा पहिया। अबे बंद करो अपनी शायरी, ये मुशायरा नहीं बाइक की रेस है, चालू करो। हाँ तो अब शुरू होगी रेस। तो भाइयों और बहनों, वो जो लाल झंडा ऊंची पहाड़ी पर दिख रहा है, जो भी उसको सबसे पहले लेकर आएगा वही होगा आज का विजेता। तो भाइयों देखते हैं कौन होगा इस साल, किसकी होगी जीत और किसकी होगी है। हम तो बस कह रहे थे कि इस साल का फर्स्ट प्राइज क्या है ना, पूरा कानपुर जानता है ये मुकाबला सेकंड प्राइज के लिए हो रहा है, फर्स्ट प्राइज। और वैसे भी यहाँ का हर ईंट हमारी बाइक की सीट पे और इस जीत पे सिर्फ हमारा नाम लिखा है। पर भैया है कौन? राधा भैया, राधा भैया, राधा भैया। राणा भैया, राणा भैया, राणा भैया। बर्थडे पे केक नहीं, ये क्या बात हुई दीदी? बर्फी का नाम बर्फी नहीं चीटी होना चाहिए, मीठे के पीछे पागल है। पर मीठा अकेले अकेले खाए तो फीका लगता है ना, तो चले खुशी को भी बुलाए, फिर पूरी पलटन मिलके साथ में केक काटेगी, ठीक है? चलो। हैप्पी बर्थडे मीठी। धन्यवाद काकी। जीती रहो बिटिया। मुनिया मुबारक हो। धन्यवाद। चले काकी, डोंट माइंड, पर आप जल्दी से खुशी को बुलाइए ना, वो क्या है ना कि आज हमारा जन्मदिन है तो हम सब केक खुशी नहीं आ सकते, आज खुशी का भी है। खुशी तो हमारी जितनी है, क्या बच्चों की शादी?
हालत हो रहा है, हम तो आंखें मूंदने से रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। रेस अब शुरू होने वाला है। 3, 2। जिन्होंने जन्म लेते ही एक दूसरे की दुनिया बदल दी थी, क्या होगा जब वो फिर आमने सामने आएंगे? क्या एक बार फिर बदलेंगी तकदीरें?